फरुखाबाद सपा की ओर से लोकसभा प्रत्याशी घोषित करने के बाद मुस्लिम महासंघ ने बैठक कर कांग्रेस व सपा के हाईकमान से गठबंधन की स्थिति शीघ्र साफ करने की मांग की है। कहा कि गठबंधन की ओर से सलमान खुर्शीद को टिकट मिलना चाहिए। मुस्लिम महासंघ ने फतेहगढ़ के सिविल लाइन्स में बाबर खां के आवास पर बैठक कर रणनीति तैयार की है। सपा और कांग्रेस इंडिया गठबंधन में शामिल थे, ऐसे में सपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। सपा और कांग्रेस के बड़े नेताओं को गठबंधन की स्थिति शीघ्र साफ करनी चाहिए। वसीमुज्जमा ने कहा कि सलमान खुर्शीद ही गठबंधन के प्रत्याशी होने चाहिए। बाबर खां व मोहम्मद खालिद खान ने कहा कि सलमान खुर्शीद और डॉक्टर नवल किशोर को साथ बैठकर गठबंधन का प्रत्याशी तय होना चाहिए। ऑल इंडिया कौमी तंजीम के प्रदेश उपाध्यक्ष तारिक बसीर ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करना है तो इंडिया गठबंधन को जिताना होगा। बैठक में हाफिज साहिल मौलाना शकील सत्येंद्र सचिन जाटव नासिर मनोज लोधी सैयद मिराज अली महेश जाटव इत्यादि लोग वहां पर मौजूद रहे। फरुखाबाद से दो बार प्रतिदिन कर चुके हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया जिन्हें सलमान खुर्शीद के नाम से जानती है, तो हम लोग अपने मुस्लिम महासंघ के बल से ये मांग करते हैं कि अगले ज्यादा पुनर्विचार करें और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ये अपने निर्णय पे पुनर्विचार करें। यहाँ से हम लोग पुरजोर मांग है सलमान खुर्शीद को प्रत्याशी बनाए। वक्त बहुत ही कीमती वक्त है क्योंकि 2024 का चुनाव लोकतंत्र को मजबूत करने का, राष्ट्र को मजबूत करने का चुनाव है और इस चुनाव में हमें यह फैसला लेना है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हम खत्म करें और सकुलर पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी जो है वो सरकार बनाए। उसी की कड़ी में हमारे यहाँ फरुखाबाद में यूं तो एक एयरलाइन चल रहा है ऑल इंडिया के स्तर पर और उस एयरलाइंस में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस पार्टी अभी जो है उस एयरलाइंस में है और उसी कड़ी में वार्तालाप चल रहा है। हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यहाँ पे फरुखाबाद एक नई किरण नई रोशनी फैलाने के लिए आतुर है और उम्मीद है कि जनाब सलमान खुर्शीद साहब या फरुखाबाद से नुमाइंदगी लेकर लोकसभा का प्रतिनिधित्व करेंगे और आगामी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी वो फरुखाबाद की रोशनाई वहाँ कैबिनेट मिनिस्टर बनकर फरुखाबाद का नाम रोशन करेगी, उम्मीद है। इंडिया गठबंधन ने जो आज दावेदारी माननीय श्री सलमान खुर्शीद जी की है तो इन्हीं को पुनः लोकसभा चुनाव की टिकट दी जाए और इनको लड़ाया जाए क्योंकि यहाँ की जनता सलमान साहब को दिलों से चाहती है।